हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 6 ट्रायंगल एनसीईआरटी एग्जांपल को। एग्जांपल नंबर 4 मेरे को दे रखा है, इन अ फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस के प्रूफ करो ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है सिमिलर है इस वाले ट्रायंगल की, ये बात मुझे प्रूफ करनी है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गिवन दिया है, ठीक है मैं लिखूंगा इन अ ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल आर ओ एस में। ठीक है फ्रेंड, बोला गया पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है सिर्फ इतनी बात बोली गई है और हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव सिद्ध करना है कि दोनों ट्रायंगल वो क्या है, सिमिलर है, पी ओ क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर ओ एस के। फ्रेंड सिमिलर का मतलब होता है कि दो ऐसे ट्रायंगल जिनकी शेप तो एक जैसी है बट साइज इक्वल भी हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये जो छोटा ट्रायंगल है इनके एंगल सेम होंगे बट साइज छोटा बड़ा हो सकता है, उन्हें बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर मैं प्रूफ कर दूं कि इस ट्रायंगल के सारे एंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसे प्रूफ करने के लिए फ्रेंड देखो, मैंने लिखा प्रूफ, ठीक है ये दोनों ट्रायंगल है। फ्रेंड अगर क्वेश्चन में कभी भी एक्स की शेप बनती हो तो उसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा एंगल एस ओ आर के, जिसको बोलते हैं वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और फ्रेंड क्वेश्चन में अगर जेड की शेप नज़र आए, किसकी शेप नज़र आए, जेड की, और जेड की शेप तभी बनती है जब दो लाइनें पैरेलल हों और तीसरे लाइन को काट कर जाए, तो जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, इसे बोलते हैं अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। तो फ्रेंड क्वेश्चन में गिवन है दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और तीसरी लाइन को ये काट कर जा रही है, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, रीजन में डालूंगा अल्टरनेट एंगल। मान लो इसे एंगल नंबर 1 दे दो, इसे एंगल नंबर 2 दे दो, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के और रीजन में क्या आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल, हिंदी में बोलेंगे एकांतर कोण। ठीक है फ्रेंड, और तीसरा रीज़न भी सेम टू सेम यही बन रहा है, क्या देखो जरा, दोनों लाइनें पैरेलल है और तीसरी लाइन देखो इसको काट कर जा रही है, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, इसे मान लो नंबर 3 दे दिया, इसे नंबर 4 दे दिया। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 के है और सेम यही रीज़न आ जाएगा, ये भी क्या बनाता है, एकांतर कोण। एकांतर कोण याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है फ्रेंड जेड की शेप, बट लाइनों का पैरेलल होना कंपलसरी है, लाइनें पैरेलल होंगी तभी अल्टरनेट एंगल बनेगा। तो पी क्यू पैरेलल है आर एस के और ये लाइन आर क्यू इसको इंटरसेक्ट करती है क्यू पे और आर पे, तो एंगल 3 और 4 क्या हो जाएगा, बराबर अल्टरनेट एंगल। तो पहले एंगल आया, फिर एंगल आया और फिर एंगल आया, इस रूल से ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर ओ एस के बाई एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल 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 समरूपता से, और हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है फ्रेंड, और इसी के साथ मेरा एग्जांपल नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं फ्रेंड एग्जांपल नंबर 5 की ओर। तो फ्रेंड एग्जांपल नंबर 5 मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, बोला गया है ऑब्जर्व करो फिगर को और फाइंड एंगल पी, एंगल पी को फाइंड करके बताओ कि एंगल पी मेरा कितना होगा। फ्रेंड इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने इस ट्रायंगल को पूरे को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मान लो ये इस तरह बना हुआ है, मैं आपको समझाने के पर्पज से इस ट्रायंगल को दोबारा से थोड़ा पलट के बना देता हूँ, यानी आर ऊपर रहेगा, क्यू की डायरेक्शन बदल देता हूँ, क्यू को इधर कर देता हूँ, पी को इधर कर देता हूँ, यानी मैंने पूरे डायग्राम को पलट दिया है। ठीक है, तो आर क्यू मेरा कितना था, 7.6, तो अभी भी 7.6 रहेगा, ये मेरा 12 ही रहेगा और ये मेरा 6√3 रहेगा। ठीक है फ्रेंड, इस फिगर को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद मैंने लिखा इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है,
मैंने इनकी प्रोपोर्शनल रेशियो चेक करके देखी, अगर दोनों ट्रायंगल की प्रोपोर्शनल रेशियो सेम हुई तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और सिमिलर ट्रायंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहले मैंने चेक करके देखा ए बी को, ए बी अपॉन आर क्यू, ए बी लिया 3.8 और ये है 7.6, ठीक है। दोनों के डेसिमल हटाए मैंने पहले, डेसिमल के बाद एक नंबर है नीचे एक ज़ीरो, एक नंबर है तो ऊपर एक ज़ीरो, ठीक है। दोनों को कैंसिल किया, कितना है 1/2। मैंने इसका प्रोपोर्शनल चेक किया इसके साथ, अब ये वाली साइड चेक करूँगा मैं इसके साथ, ठीक है। यानी कि बी सी अपॉन क्यू पी 6/12, यह आ गया 1/2, ठीक है। अब तीसरी साइड ये वाली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए इसके, ए सी अपॉन पी आर 3√3/6√3, इसे कट गया 1/2। यानी तीनों की प्रोपोर्शनल रेशियो क्या है, सेम है, मतलब ए बी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन क्यू पी एंड ए सी अपॉन पी आर, तीनों का प्रोपोर्शनल रेशियो क्या है, सेम है। अगर दोनों ट्रायंगल का प्रोपोर्शनल रेशियो सेम है, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई एस 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 सिमिलरिटी, ठीक है, एस 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 समरूपता से। तो मेरा जो एंगल सी होगा इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल पी के, ठीक है, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, समरूप त्रिभुज के, समरूप त्रिभुज के संगत कोण है ये, इस वजह से दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन फ्रेंड क्वेश्चन में एंगल सी हमें गिवन नहीं है, बट एंगल सी को निकाल लेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन में एंगल सम प्रॉपर्टी, हिंदी में लिखेंगे कोण योग गुणधर्म से। तो एंगल ए कितना है 80, बी 60, सी मालूम नहीं है, इक्वल टू 180, दोनों को जोड़ा 140, प्लस का है उधर ये किसका हो जाएगा माइनस का, 180 माइनस 140, ये मेरे कितने डिग्री का एंगल आ गया 40 डिग्री का, ये मेरा आ गया एंगल सी। जितना एंगल सी होगा उतने मेरा कौन होगा, एंगल पी होगा, और इसी के साथ मेरा एग्जांपल नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जांपल नंबर 5 समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएँ, और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ओके बाय बाय, थैंक यू।